उसकी बैठने की भी लिमिट होती है, इसमें बैठने की लिमिट नहीं है, आप अपनी मनइच्छा उससे बिठा सकते हैं। उसमें फंस जाती है पता ही, जिसमें पता ही ना फंसता है, खन जाती है, सब खन गए, खाद बन जाती है, बिल्कुल गायब। खुरपी से जाएगी इसकी जो है मट्टी को जो फाड़ देती है खुरपी। अच्छा हाँ, इसके बाद में रूट चल रहा और मुलायम बना, और उनसे भारी टेटों कच्ची में उसका देते, क्वालिटी बढ़िया है, देख रहा हूँ बढ़िया है, काम बढ़िया है। अच्छा, नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इन्फॉर्मेटिव क्यों होने वाली है? मेरे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं जो इस रूटावेटर के बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनके बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। नमस्कार अंकल जी, कैसे हो? बढ़िया। तो सबसे पहले जो हमारे दर्शक भाई आपको देख रहे हैं उनको अपना परिचय दो, कहाँ रहते हो आप? हम गाँव फूलपुर। अच्छा, तहसील भैड़ी। अच्छा, जिला बरेली। अच्छा जी, तो हमारे किसान भाइयों को बताओ, आप इस कंपनी का रूटावेटर कब से चला रहे हो? जागो करीब ही गए 20-25 दिन। 20-25 दिन हो गए। किस कंपनी का रूटावेटर है? जो है युवराज कंपनी को। अच्छा, युवराज कंपनी का रूटावेटर है। ये कौन है आपके पास में? ये लड़का है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? अच्छा जी, तो रूटावेटर कैसा लगा आपको? रूटावेटर बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ना हो रही है? दिक्कत ना। अच्छा जी, बहुत खुश लग रहे हैं दोनों लोग? रूटर बढ़िया है, खूब चल रहा है, काफी मन अच्छा गहराई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपके यहाँ पे जो रूटावेटर है, आप बोले थे गांव रूटावेटर आपके और हैं, तो वो कौन से रूटावेटर है? सरस्वती और अशोक। अच्छा, बंद बॉडी वाले हैं ना? बंद वाले हैं। अच्छा, बंद बॉडी वाले में और इसमें क्या फर्क लगा आपको? अरे जो कैसे कबाड़ो पता ही सब सबाब था इससे। अच्छा, उसकी बैठने की भी लिमिट होती है, इसमें बैठने की लिमिट नहीं है, आप अपनी मनइच्छा उससे बिठा सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी बैठा लो। हाँ, कोई दिक्कत ना होती है। ट्रैक्टर कितने एचपी का है आपका? 52 HP। अच्छा, 52 HP ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर कितने मॉडल है आपका? 2024 मॉडल है। ट्रैक्टर में कोई दिक्कत ना हो रही है? कोई दिक्कत ना है। डीजल वगैरह कैसा है? डीजल बढ़िया है इस पर। अच्छा, एक घंटे में लगभग कितनी जुताई हो जाती है? एक घंटा में तो अपने ऊपर है, अगर मीडियम चलाओ ना हिसाब किताब से। अच्छा, तो 7-8 बीघे जमीन लगा देते हैं। 7-8 बीघा। अच्छा, आपने बात की जुताई के बारे में, तो जुताई क्या रेट चल रही है आपके यहाँ पे? जुताई तो कम है। कितनी चल रही है जुताई? तो है करीब 150 के आसपास। बहुत कम है, 150 रुपये बीघा तो। मेहनत ज्यादा है? हाँ जी, तो अपने काम के लिए है। अच्छा, अपना काम करते हैं? अपनों करते हैं, कोई आएगा तो कर देते हैं, मगर विशेष मजदूरी पे ना है। अच्छा, अपने ऊपर है? अपने ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, मजदूरी पे बिल्कुल ना आना है, कम लिमिटेड। हाँ, खाली है तब जो जान पहचान वाले लोग हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, जुताई वैसे कम है मेरे हिसाब से। हाँ, जुताई कम से कम लगभग 180 के आसपास तो होना चाहिए। 100 रुपये लीटर तो डीजल ही है, फिर खर्चा वगैरह। तो क्या कीमत में वैसे आपने खरीदा था लगभग? जो हमने 1.18 में खरीदो। 1.18। अच्छा, कुछ गारंटी वारंटी मिली? रिश्तेदारी दुकान की गारंटी हमने कुछ नहीं पूछी, कंपनी बढ़िया लगी तो हम ले चले आए। फिर भी तो गारंटी होती है, लेटर बिल वगैरह मिला होगा आपको? बिल पे कितनी गारंटी, कुछ देखी ना? देखी अभी तक? अभी तो कुछ ना देखी हमने। तो भाइयों, देख सकते हैं आप लोग कितने भोले किसान हैं, रिश्तेदारी के चक्कर में गारंटी भूल गए। लेकिन आप लोग गारंटी मत भूलना, क्योंकि गारंटी जरूरी है। रिश्तेदारी अपनी जगह है और गारंटी अपनी जगह है ना? तो अभी तक लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ है, कितनी जुताई कर दी इससे लगभग आपने? इससे करीब 100 बीघा के आसपास जमीन जोत दी। 100 बीघा जोत दी। अच्छा, आपके बंद बॉडी वाले रूटावेटर हैं वो फेल है? फेल है, इसके मुकाबले फेल है? इसके मुकाबले फेल है। अच्छा, लोग इससे ज्यादा काम करवा रहे हैं? इससे ज्यादा काम करा है, वो बैठते ना है, वो पता ही बंद ही जाते, जाम लग जाते हैं बिल में। अच्छा, खुले है जो, तो बहुत बढ़िया रूटर है। पता ही मान लो होती है। हाँ। तो उसमें जैसे मान लो सामने वो खेत है, पता ही उसमें चलाएंगे तो पता ही फंस जाती है उसमें? उसमें फंस जाती है पता ही, जिसमें पता ही ना फंसता है, खन जाती है, सब खन गए, खाद बन जाती है, बिल्कुल गायब जाती, दिखाई ना देती कहाँ गई बहता है। जहाँ ज्यादा मोटा ढेर होता है बाहर हल्की फुल्की वो हो जाती है। अच्छा, लेकिन अगर फैली हुई बताई हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, चाहे घास हो। अच्छा, कैसे कुछ हो। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, जैसे यहाँ पे आ गई है खुरपी लगी हुई है, तो इसका क्या बेनिफिट है, फायदा क्या है इसका खुरपी का? खुरपी से जाएगी इसकी जो है मट्टी को जो फाड़ देती है खुरपी। अच्छा हाँ, इसके बाद में रूट चल रहा और मुलायम बना देता मट्टी को। अच्छा, मान लो कितनी भी टाइट है मिट्टी, टाइट है, कोई दिक्कत ना होगी? कोई ना, सब मट्टी सब फाड़ देती है। अच्छा अच्छा, बाकी ब्लेड वगैरह सही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो रही है? ना है, अभी तक बिल्कुल वैसे चल रहा है, ना खुले ना कुछ। अच्छा, जो कंपनी ने कस दिया वही कैसे में। अच्छा, जो कंपनी वाले वीडियो में बहुत तारीफ करते हैं, ठीक है, तो मुझे पता चला कि आप तो हमारे पड़ोसी ही हो, वैसे पास में ही गाँव हमारा, तो मैंने सोचा कि जो किसान भाई वीडियो मतलब बहुत बोलते हैं तो रील में दिखाया जाए, है ना, क्योंकि असली रिव्यू तो किसान ही देगा ना। सही बात है। हाँ, तो आप संतुष्ट हो इस रूटावेटर से? हाँ। अच्छा, जो मेरे किसान भाई आपकी वीडियो देख के अगर ये रूटावेटर लेना चाह रहे हैं तो उनसे क्या बोलेंगे इसके बारे में? जो रूटावेटर लेके आए और कुछ लेके नहीं आए। अच्छा, इसकी बात अलग है। अच्छा, कीमत भी कम है? कीमत तो कम है, काम बहुत बढ़िया है इसको। अच्छा, वजन वगैरह कैसा है इसमें लगभग? वजन तो हमें ना तोलो, मगर वजन है काफी। अच्छा, हाँ, और उनसे भारी है, टेटों कच्ची में उसका देते हैं। ट्रैक्टर उठ जाता है आगे से? ट्रैक्टर तो बहुत भारी है आपका, बम्पर भी लगा हुआ है तगड़ा इस पे। तो रूटर में तो वजन है? रूटर में वजन है। अच्छा भाई, क्वालिटी वगैरह अच्छी है ना? क्वालिटी बढ़िया है, देख रहा हूँ बढ़िया है, काम बढ़िया है। अच्छा,
कितने कौन से गियर में चलाते हो आप इसको? हम जाओ दूसरे गियर में चलाते हैं। दूसरे गियर में? अच्छा, कितने आरपीएम पे चलाते हो? 1800। अच्छा, तो किसान भाइयों देखा आपने आज की वीडियो में मैंने आपको युवराज कंपनी का रोटावेटर दिखाया और आपको किसान भाई से भी मिलवाया। लेकिन जो किसान भाई है बहुत ही भोले वाले किसान हैं, मुझे पहली बार ऐसे किसान देखे हैं जो रिलेशन के चक्कर में गारंटी भूल गए। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, कहीं से भी रोटावेटर लें, कोई भी मशीन लें, लेकिन पहले आप गारंटी वारंटी की बात पहले करें, क्योंकि आफ्टर जो सेल सर्विस होती है बहुत ज़रूरी होती है। मशीन होती है पता नहीं होती कब दिक्कत आ जाए, है ना जी। तो किसान भाइयों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।